गले मिलो। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम निकल रहे हैं इंदौर के घर से, सबसे मिलना जुलना हो गया। नींद ना, बाय, और मिलेंगे। थोड़ा सा नाश्ता कर लिए, पोहा लास्ट टाइम एमपी का खाया, काफी अच्छा लगा। चाय भी पी रहा हूँ, एमपी की चाय बहुत फेमस है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली एमपी की चाय बहुत पसंद है, तो चाय का टेस्ट भी ले रहे हैं एमपी में। और अभी हम लोग 60-70 किलोमीटर आए हैं इंदौर से, और अभी बहुत दूर जाना है, अभी 700-800 किलोमीटर जाना है, काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो बस छोटी मोटी खुशियाँ बटोरते हुए जा रहे हैं, और अभी एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाले वीडियो में ना एकदम, मतलब ये मेरा सपना है, पता है कि मैं सेम बाइक पे, सेम सेटअप, सेम राइडिंग जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट, और वहाँ जो 40 लीटर का बैग रखा हुआ था, और सेम बाइक ड्यूक 390, सेम कलर, ऐसे कहीं सफ़र पे जाऊँ, सोलो ट्रिप पे जाऊँ। और तो वो मेरा मतलब ड्रीम है कि आने वाले टाइम में वो कभी ना कभी पूरा होगा, लेकिन खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को देख रहा हूँ, तो अंदर से ना बहुत एकदम गूज़बम्स वाली फीलिंग्स आ गई थी। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत, मैं बहुत देर तक उसको चेस करता रहा, उसको ओवरटेक कर सकता था लेकिन ओवरटेक नहीं किया, और बहुत देर तक उसको देखा, और मतलब एंजॉय कर रहा था कि मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं ऐसे कहीं अकेले निकल गया हूँ बाइक लेकर के, और अपना सपना जी रहा था, मतलब अपने सपने को जाते हुए देख रहा था। लेकिन वो आएगा मेरी लाइफ में भी, वो दिन कभी ज़रूर आएगा, देखते रहना, आएगा ज़रूर। मम्मी और भाभी भी चाय पियेंगे बोले, तो उनके लिए भी एक एक चाय। और फिलहाल हम ये टोल पर रुके हुए हैं कहीं पे, हमारे नए ड्राइवर। अरे ये लो, चलाओ चाबी ले। चलो पीछे जाओ। फिर से बोलो, सभी को हेलो बोलो। जस्ट भोपाल क्रॉस किए हैं, उसके बाद का टोल पे सुसु ब्रेक मेरे लिए। क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ गया था? बहुत देर तक हम लोग गाड़ी में आए इंदौर भोपाल, अभी जबलपुर भी पहुँच गए हैं, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा खाए हैं एसी की, तो बहुत ठंडी लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ी गर्मी खा लें। तो गर्मी खाने के लिए आए हैं हम भेड़ाघाट। रुको दिखाता हूँ भेड़ाघाट का सिग्नेचर, ये देखो। अरे क्वालिटी ख़राब। हाँ तो ये देखो भेड़ाघाट। तो फिलहाल हम भेड़ाघाट आए हैं, एक्चुअली भाभी और भैया, भाभी नहीं देखे थे तो उनको दिखाने के लिए आए हैं। धूप तो अच्छी खासी तगड़ी है, वाट लगने वाली है। सब लोग अपना अपना पर्सनल बॉटल पकड़े हैं, मैं भी अपना बॉटल पकड़ लिया हूँ, और घुमा के लाते हैं इनके साथ धूप में। बच्चे लोग टोपी नहीं पहनते ठीक से, मम्मी भी देख रही हैं टोपी में। सिर में घुस रहा है अच्छे से। हाँ ठीक है, दूसरा कलर नहीं, वाइट भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा कलर लग रहा है वो ले लो, कलर तो सब ही अच्छे हैं। अच्छा आप भी लगा लिए। पंछी कौन सा पसंद कर रही है? पंछी के साथ एक बार में तो एक ही पहनते हैं, मम्मी को देख लो।
विदेशी है, बस कपड़ा चेंज हो जाए तो विदेशी ही लगेंगे, इतनी गोरी तो है ना मम्मी। एक आधा विदेशी वाला कपड़ा पहना के घुमा दूंगा आप। अभी पकड़ के जाना पड़ेगा, अभी आते हुए देख लेंगे। आते समय धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आते आ रहे हैं, भेड़ा घाट देखने का भूत उतरते जा रहे हैं। मेरे परिवार वाले सभी भेड़ा घाट घूमने आए हैं और ये है भेड़ा घाट, आप लोग भी देख लीजिए। गाइस ऊपर आते आते ऐसी वाट लग गई है ना कि हमको नींबू पानी और मम्मी को जलजीरे की जरूरत पड़ गई है ना, मम्मी थक गए। किससे मिलने आ रहे हम लोग? इथन से मिलने आए हैं। इथन से मिलने आए हम लोग। यान क्या कर रहा है? चलो ऐसा करो, इसे सहाय करो, इसे सहाय करो, गले मिलो, गले मिलो।